सो गाइज आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा लुक क्रिएट करने वाले हैं। बहुत लोग इसको लेके शायद वो भी होंगे कि आपने ये लुक क्यों चूज किया, बट आई लव द ग्रेस ऑफ दिस लेडी। मतलब मुझे इतनी अच्छी लगती है नीना गुप्ता जी, आई लव हर स्टाइल। मतलब इस उम्र में भी शी लुक्स सो हॉट, सो ब्यूटीफुल, सो सेक्सी। मतलब इतनी उम्र में ऐसी चीज़ें पुल ऑफ करने के लिए गट्स चाहिए, साथ साथ वो कॉन्फिडेंस चाहिए। इवन आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई मीन शी लुक्स लवली, लुक एट द ब्यूटीफुल लुक। सो मैंने सोचा लो क्यों ना ये वाला लुक क्रिएट किया जाए फॉर वेडिंग, एंड यू कैन कैरी दिस इन एनी एज। अब वो डिपेंड करता है कि ब्लाउज कौन सा चूज करते हो, बट दिस इज द लुक। सबसे पहले मेकअप से स्टार्ट करेंगे। आई हैव दिस होल आउटफिट, लेट मी जस्ट शो यू। सो आई हैव क्रिएटेड दिस आउटफिट अंडर बजट, और सबसे पहले मैंने उसके लिए ढूंढा एक पिंक ब्लाउज, बिकॉज दैट इज मैंडेटरी, क्योंकि इसका बेस पिंक और ग्रीन से ही स्टार्ट होता है। तो लगभग आधे घंटे की रिसर्च के बाद मुझे अमेजोन पर यह ब्लाउज मिला। इसका जो शेप है वो लगभग कुछ कुछ वैसा ही है। उसमें क्या है कि स्ट्रैप आके यूँ डायरेक्ट कट है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एक ऐसा फ्लोई वाला नेकलाइन है, बट मुझे इससे बेटर ऑप्शन कोई मिला ही नहीं स्लीवलेस में। सो आई ऑप्टेड फॉर दिस वन, दिस ब्यूटीफुल पिंक रानी ब्लाउज। आई थिंक ये उससे अच्छा खासा मैच करेगा। देखो एग्जैक्ट कलर मुझे नहीं मिल पाया बिकॉज दैट इज वेरी इंटेंस, और थोड़ी सी उसमें एडिटिंग भी होती है कलर में। एंड फॉर द साड़ी आई ऑप्टेड फॉर दिस साड़ी फ्रॉम मिमोसा, और ये मैंने अमेजोन से ही ढूंढी है। इट टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे साड़ी में, सो आई वेंट विद दिस ग्रीन साड़ी। और इसमें ना बॉर्डर ऐसा है इसका, लेकिन जो ऊपर यहाँ पर पल्लू के ऊपर सेक्शन आता है उसमें पतली लाइन है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड, कि नीचे थोड़ा हैवी हो चलेगा बट ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो लुक है उसमें प्लेन है एकदम। तो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट, लेट्स सी। एंड ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गई। नेकलेस मिला है मुझे ये वाला, विच इज फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स। आई वॉन्टेड अ मल्टी कलर नेकलेस, लेकिन वो थोड़ा मुझे ऑक्सीडाइज टच में नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये वाला मल्टी कलर चूज किया। लेट्स सी कि ये कैसा जाता है। मुझे लगता है कि थोड़ा ब्राइट है, थोड़ी ब्राइट कलर्स ये भी हैं, तो आई थिंक इट विल मैच। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद मेकअप। मैम का जो मेकअप है वो बहुत मिनिमल है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, लेट्स कीप इट सिंपल। सो स्टार्टिंग ऑफ, अभी यहाँ पे ना ढोल बजा हुआ है तो मेरी आवाज़ थोड़ी कम आएगी। स्टार्टिंग ऑफ विद द बेस, मैं सबसे पहले अपने फेस पे लगा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइज कर लिया, सबसे पहले लगाऊंगी हाईलाइटर। मेरे पास ये क्रीम हाईलाइटर पड़ा था, सो आई एम यूजिंग इट। ऊपर से फाउंडेशन लगा रही हूँ, मेरा फेवरेट है फिटमी का, थोड़ा सा ही लूंगी, ज़्यादा नहीं, जस्ट फॉर द सिंपल बेस। और इसके ऊपर डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। बचा हुआ प्रोडक्ट मैंने नीचे गर्दन पे लगा लिया है, एंड जहाँ जहाँ पर आपका हाईलाइटर है वहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करना, एंड इट गिव्स यू वेरी ब्यूटीफुल एंड नेचुरल ग्लो लुक, है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रिक, क्योंकि मैम का लुक बहुत सिंपल है। सो चीक्स के लिए, आईज़ के लिए, लिप्स के लिए एक ही शेड यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ 131 आई कैप्टिवेट फ्रॉम लॉरियल। चीक्स पे अप्लाई करेंगे। बाहर की तरफ अप्लाई करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ब्लेंडिंग यहीं से होगी और फिर अच्छा लुक आता है। इसको ब्लेंड करना भी बहुत आसान है, लुक बाहर की तरफ ब्लेंड करेंगे ऑन द आउटर्स। अब ब्रश की हेल्प से एक सेम कलर का आई शेडो ले रही हूँ और उसको अच्छे से अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी। सो वैसे तो मैं मैम की तरह रखना चाहती हूँ लगभग बेसिक सा, बट स्टिल आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ कलर, क्योंकि वो थोड़ा डार्क शेड था तो मैंने इसमें हल्का सा पर्पल मिक्स कर दिया है। तो क्योंकि हम थोड़ा वेडिंग लुक क्रिएट कर रहे हैं तो हल्का सा शिमर तो बनता है, तो बहुत हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। सो दिस इज द सिंपल मेकअप, कुछ नहीं किया, आप सिर्फ अपनी लिपस्टिक यूज़ करके हाईलाइटर लगा सकते हो, एंड दैट्स इट। अब मैं पतला पतला लाइनर लगाऊंगी एंड बाकी लिपस्टिक लगा के अभी फिनिश करते हैं मेकअप। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, हल्का हल्का मैंने ध्यान से उसमें देखा तो हल्का सा मैंने ब्राउन ऐड किया है अपने क्रीज में, और बहुत हल्का हल्का लाइनर लगा के ना उसको ब्राउन आई शेडो से सेट कर लिया। अब मैं टाइट लाइनिंग कर रही हूँ। टाइट लाइनिंग इज़ ऑल अबाउट बस दोनों साइड में काजल को अप्लाई करना। अब मैं वही ब्रश ले रही हूँ जिसमें मैंने ब्राउन शेड लिया था, और उसको बस हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ काजल को अच्छे से। तो बाकी मेकअप तो हो गया, बस लिपस्टिक में ना आई कैप्टिवेट में थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैक मेहर, क्योंकि बहुत ही अच्छा फ्लश पिंक वाला टोन आता है इससे। तो ये हो गया हमारा लिपस्टिक, एंड इन दोनों को मिक्स करके ही ये वाला शेड बनता है। आई एब्सोल्युटली लव दिस, क्योंकि ना डार्क लगाने से ना एक लाइनिंग बाहर आ जाती है, और फिर जब आप अंदर लाइट अप्लाई करते हो तो दोनों मिक्स होकर बहुत ही प्यारा सा शेड बनाते हैं। सो उनके बाल ब्लो ड्राइड हैं नीचे से हल्के से, एंड सिंपली ऊपर से स्ट्रेट है, तो मेरे बालों का नॉर्मल टेक्सचर भी यही है, सो मेरे लिए काम करेगा। एंड लेट्स वेयर द साड़ी नाउ। एंड सरप्राइजिंगली साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा आया, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कलर पैलेट लगभग हम लोग सेम रख पाए। एंड इन्होंने क्या किया कि अपनी साड़ी का जो ये पोर्शन है ना यहाँ पे, जो ये थोड़ा सा बॉर्डर जैसे मेरा भी आ रहा है, इसको उन्होंने फोल्ड करके पिनअप किया है ऐसे ऊपर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, सो वही हम करेंगे। तो इसको मैंने हल्का सा फोल्ड किया, और उन्होंने पल्लू थोड़ा नीचे रखा है इस ब्लाउज को, जिससे ब्लाउज का कलर विजिबल हो, तो वही सेम मैंने भी किया है। एंड लेट्स पिन इट अप एट द बैक। तो मैं बालों को सेट करके आती हूँ, एंड लेट्स वेयर द ज्वेलरी एज वेल। तो मैंने बालों को भी सेट कर लिया है, बहुत हल्का हल्का इनको सब स्ट्रेटनर से ऐसे पकड़ के। सो बालों को मैंने सेट कर लिया, लेट्स वेयर द नेकलेस नाउ। तो ये है हमारा नेकलेस, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। एंड
देखो वैसा वाला ऑक्सीडाइज लुक तो ये नहीं दे रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये अच्छा लग रहा है इसके साथ। मुझे ना ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। आप अपने हिसाब से अगर से थोड़ा और प्रैक्टिकल वे में देखो तो आप इस तरीके का ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो इन फुल स्लीव्स, तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से नेक ऐसा ही बनवाना लेकिन स्लीव्स उसके फुल हों, सो यू कैन ईजिली वेयर इट, क्योंकि बहुत लोग स्लीवलेस में कम्फर्टेबल नहीं होते ना। तो लुक फिलहाल ऐसा लग रहा है। एंड अभी इसमें एक बिंदी और ऐड करनी है हमें, सो बिंदी मिल गई है मुझे मैचिंग। नेक्स्ट इट नेकलेस हमारा ये हो गया। तो इससे मैचिंग ना मैंने दो तरीके के बैंगल्स को पेयर कर लिया है। यहाँ पे मेरे ग्रीन वाले रखे थे, एक और एडिशन किया है। मैंने इसमें ना ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन नेकलेस पहना है विद द सिमिलर इयररिंग्स, और बालों में लगा लिया है गजरा, क्योंकि ये साड़ी थोड़ा वो वाइब दे रही है मुझे, एंड कॉम्बिनेशन आई रियली लाइक। और हाथों में ये वाले बैंगल्स पहन लिए विच आर ऑल्सो मैचिंग टू माई नेकलेस, तो ये वाला लुक भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज़ वेरी मिनिमल येट इट लुक्स वेरी डिसेंट, और वेडिंग्स में आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। इफ़ यू आर अ ब्राइड्स मेड दिस इज़ अ परफेक्ट लुक फॉर यू, दूल्हे की बहन, दूल्हे की या फिर दुल्हन की बहन भाभी अगर आपको, तो यू कैन कैरी दिस लुक। बस ये है कि अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा और हैवी साड़ी ले सकते हो या फिर थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा नेकलेस ऐड कर सकते हो, बट आई रियली लव दिस। और अगर हम चाहें तो इसमें इसका बॉर्डर भी विजिबल कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। या तो इस साड़ी को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हो और अपने स्टाइल में आराम से डाल सकते हो। That's it for today's video. I hope कि वीडियो आपको अच्छी लगे। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, एंड या गो चेक इट आउट। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।